हट में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर पिज्जा। आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। सबसे पहले हमें पिज्जा बेस लेना है जो कि मैंने मार्केट से लिया है। मैं आके अपने आने वाले वीडियोस में आपको पिज्जा डो बनाना सिखाऊंगी। साथ में कुछ हमने लिए हैं प्याज के क्यूब्स, कुछ बेबी कॉर्न। मेनली हमें पनीर चाहिए क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं पनीर पिज्जा। हमने 100 ग्राम पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। उसमें हल्का सा नमक डाल के और चुटकी भर काली मिर्च डाल के हमने उसको रख लिया है। साथ में हमको चाहिए मोजरेला चीज। मोजरेला चीज आराम से मार्केट में अवेलेबल होती है। उसके बाद हमें चाहिए होती है पिज्जा टॉपिंग। ये पिज्जा टॉपिंग मैंने मार्केट से ली है। आप चाहे तो इसे घर में भी बना सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको पिज्जा टॉपिंग बनाना सिखाऊंगी। और कुछ हमें लेने हैं चिली फ्लेक्स और साथ में लेनी हमें इटालियन सीजनिंग। चलिए आइए बना लेते हैं अपना पिज्जा। हमारा पिज्जा बेस मार्केट का है इसलिए हम इस पे थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लगा लेंगे जिससे कि हमारा ये जो बेस है थोड़ा सॉफ्ट है, क्योंकि जो बाहर का बेस होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और जो हम घर में बनाते हैं वो काफी सॉफ्ट होता है। हल्का सा वेजिटेबल ऑयल लगाने के बाद हम इसमें अपनी पिज्जा टॉपिंग लगाएंगे। पिज्जा टॉपिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं, कम ज्यादा जैसा आप खाते हो। देखिए हमने पिज्जा पे अपनी टॉपिंग लगा ली है। अब हम इस पे अपना प्याज लगा देंगे। प्याज को लगाने के बाद हम अपना इसको पनीर को लगा लेंगे इस पे अच्छे तरीके से। देखिए हमने पनीर को लगा लिया है। अब मेरे आप चाहे तो बेबी कॉर्न लगाएं, नहीं आपके पास बेबी कॉर्न है तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम मेनली हमें जो पिज्जा बना रहे हैं हम लोग पनीर पिज्जा बना रहे हैं। अब मेरे पास फ्रिज में पड़े हुए थे बेबी कॉर्न, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बेबी कॉर्न भी लगा देती हूँ। इसका टेस्ट वैसे बहुत अच्छा आता है बेबी कॉर्न का। अगर आपके पास ना हो तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप ना लगाएं उसे, खाली पनीर और प्याज को ही लगा लें। मेरे पास था अवेलेबल इसलिए मैंने लगाया है। देखिए हमने बेबी कॉर्न लगा लिया है। अब हम इस पे चीज ग्रेट करेंगे। देखिए हमने अच्छे से अपना चीज इस पे ग्रेट कर दिया है। अब हम इस पे इटालियन सीजनिंग डालेंगे। इटालियन सीजनिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और बाद में पिज्जा बनने के बाद भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। देखिए हमारा पिज्जा एकदम टॉपिंग से रेडी है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ओवन में बेक करेंगे। हमने पिज्जा ओवन में रख दिया है और 10 मिनट के लिए टाइम सेट कर देंगे। देखिए हमने अपना टाइम सेट किया, अब इसे हम स्टार्ट कर देंगे। रेडी हो गया है। आइए चलिए हम पिज्जा कटर से इसको काट लेते हैं। देखिए हमारा पिज्जा एकदम रेडी है खाने के लिए। आप इसे जरूर बनाएं और इसका टेस्ट देखिए कितने मजेदार आया है। देखिए हमारा पिज्जा एकदम बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल लग रहा है और खाने में बिल्कुल डोमिनोज वाला टेस्ट देगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।